अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको वी कट के साथ बैन कॉलर लगाना सिखाऊंगी। व्यूवर्स, ये वी कॉलर मैं मीडियम साइज़ के लिए तैयार करूंगी। तो पहले फ्रंट साइड पर नेक लाइन की टोटल लेंथ 8 इंच मार्क करें। अब नेक की चौड़ाई 3 इंच रखें। बैन कॉलर के लिए लंबाई 3.5 इंच रखें। अब स्क्वायर बनाएं, गोलाई करें। इस लंबाई में कट बनेगा। अब मार्किंग के मुताबिक गोलाई में कटिंग करें। कट की लंबाई मेजर करें, तकरीबन 4 इंच है। बुकरम को डबल करके रखें और 1 इंच बुकरम एक्स्ट्रा रखते हुए 5 इंच पर मार्क करें। अब कट की चौड़ाई 1 इंच मार्क करें और इस तरह से वी शेप दें। कटिंग कर लें। साइड से 1 इंच बुकरम एक्स्ट्रा रखकर बाकी कटिंग कर दें। इस तरह से कट मार्क तक बराबर लाएंगे। बाकी वी कट ऊपर की तरफ बढ़ाकर रखें। आप बैक नेक लाइन पर 1/2 इंच की लंबाई पर मार्क करके इस तरह से कटिंग करें। अब एक्स्ट्रा कपड़े पर वी कट पेस्ट करें। पेस्ट करते हुए वी को ज़्यादा खुला ना रखें। अब बाहर से फोल्ड का कपड़ा रखकर कटिंग करें। वी कट फोल्ड कर लें। फ्रंट पीस प्रेस करके सेंटर लाइन बनाएं। वी कट की भी सेंटर लाइन बनाएं। वी कट को इस मार्क के बराबर रखते हुए पिनअप करें। व्यूअर्स, बिगिनर्स के लिए पिनअप करना बहुत ज़रूरी है। बुकरम के साथ साथ स्टिच करें। अब कटिंग करें। नीचे कट में हल्का सा कट एहतियात से सिलाई बचाते हुए लगाएं। बुकरम ऊपर से नेकलाइन की गोलाई के मुताबिक कटिंग कर लें। अब अंदर वाली साइड पर पलटकर प्रेस करें और तुरपाई करें। बैक साइड और फ्रंट साइड को शोल्डर से स्टिच कर लें। यहाँ शोल्डर्स पर नेकलाइन के साथ इस तरह से थोड़ा तिरछा कपड़ा कटिंग करें ताकि बैन कॉलर लगाते हुए खिंचाव ना रहे। अब बैक साइड के सेंटर से इस तरह पकड़ कर रखें, फ्रंट से कट बराबर रखें और बैन कॉलर की मेजरमेंट करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इंची टेप घुमाते हुए मेजर करें। बैन कॉलर 8 इंच है, यानी टोटल कॉलर 16 इंच का होगा। अब बुकरम डबल करें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। लाइन पर 3 इंच पर मार्क करें। अब 8 इंच पर मार्क करें। लंबाई में 2 इंच रखें। व्यूवर्स, यहाँ 3 इंच मार्क तक बैक नेक लाइन होगा। इस मार्क से आगे हल्का हल्का ऊपर की तरफ गुलाई करते जाएं। अब बैन कॉलर की चौड़ाई 1 इंच रखते हुए गुलाई करें। फ्रंट से हल्का सा तिरछा करें और गोल कर दें। अब मार्किंग के मुताबिक कटिंग करें।
इस तरह नेक लाइन के हाले से चेक कर लें, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो कटिंग कर दें। एक्स्ट्रा कपड़े को डबल करें, बुकरम पेस्ट करें। पेस्ट करते हुए ऊपर से किनारे बराबर रखें। फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें। नीचे से एक साइड बुकरम पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। अब ऊपर वाली साइड पर बुकरम के साथ साथ स्टिच करें। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके हल्के से तिरछे कट्स लगाएं। अब फ्रंट बराबर करते हुए फ्रंट पर कपड़े की गोल कटिंग करें। सेंटर में कट लगाएं। शर्ट की भी बैक साइड पर सेंटर का कट लगाएं। बैक साइड से कट बराबर रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करें। शर्ट की उल्टी साइड रखें और आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए गोलाई में सिलाई लगाते जाएं। अब दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएं। सिलाई के साथ साथ कट्स लगा लें। अब इस तरह कट के बिल्कुल बराबर सिलाई स्टार्ट करेंगे। फ्रंट से गुलाई करें। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें। दूसरी साइड से भी इसी तरह स्टिच करें। अब बैन बाहर की तरफ पलट लें और प्रेस करें। फ्रंट से बराबर करें और यहाँ शोल्डर से सिलाई स्टार्ट करें। और फ्रंट से गुलाई करते हुए ऊपर किनारी की सिलाई लगाएं। फ्रेंड्स, बैन कॉलर की स्टिचिंग कंप्लीट है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए उर्दू गर्ल्स विज़िट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।